गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। तो वीडियो क्वालिटी ठीक है, ऑडियो क्वालिटी दोनों परफेक्ट है? यस सर, यस एकदम सर, परफेक्ट। ओके ठीक है। सो अब देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी सीखी थी और वो थोड़ा आधा अधूरा सीखा था। आज हम लोग उसको कंप्लीट करने वाले हैं। सो क्विकली लेट मी रिवाइज कि पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी में लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या सीखा था। सो जैसे मान लो कोई इनइक्वालिटी हमारी ऐसी होती, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस फोर इज लेस देन जीरो। एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस फोर इज लेस देन जीरो। तो हम लोग पहले का पहला काम क्या करते, द फर्स्ट स्टेप वुड हैव बीन टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे आते, जो इंडिविजुअल ब्रैकेट्स हैं उसको इक्वल टू जीरो पुट करके। तो जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आते वो आते माइनस फोर एंड टू। फिर सेकेंड स्टेप क्या होता कि उस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। सो स्टेप टू वॉज प्लॉटिंग दोज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। देखो यहां पे प्लॉट कर दिया मैंने उन क्रिटिकल पॉइंट्स को, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। इसके बाद क्या करना रहता था, इसके बाद ना हम लोग को ये वाला जो एक्सप्रेशन रहता था, ये वाला, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो रहता था उसका हम लोग को साइन चेक करना रहता था। उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन चेक करना रहता था किसमें, इन तीन इंटरवल्स में। तो जैसे मान लो जब x 2 से बड़ा होता, तो अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बस एक्सप्रेशन का साइन देख रहे हैं। तो जब x 2 से बड़ा होता तो x माइनस टू पॉजिटिव होता एंड x प्लस फोर भी पॉजिटिव होता। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाता, पॉजिटिव। अच्छा x अगर माइनस फोर से टू के बीच में होता, मतलब x 2 से थोड़ा सा छोटा होता लेकिन माइनस फोर से बड़ा होता, तो ये वाली चीज नेगेटिव होती पहला वाला टर्म, और दूसरा वाला टर्म पॉजिटिव होता। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता, नेगेटिव। ऐसे अगर x माइनस फोर से छोटा होता तो दोनों लोग नेगेटिव हो रहे होते और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा होता, पॉजिटिव। सो अल्टीमेटली जो हमारा नंबर लाइन बनता वो कुछ ऐसे टाइप का बनता। अब हम लोग को क्या चाहिए, वॉट वी वॉन्ट दैट द एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन जीरो। वी वॉन्ट दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन जीरो। तो ये जो साइन बता रहा है, प्लस माइनस वाला साइन बता रहा है, ये किसका साइन बता रहा है, एक्सप्रेशन का साइन बता रहा है। एंड आई वॉन्ट दैट एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन जीरो। ना एक्सप्रेशन को अगर लेस देन जीरो होना है, मतलब एक्सप्रेशन हम लोग नेगेटिव किस एक्स के लिए हो रहा है वैसा कुछ खोज रहे हैं। सो एक्सप्रेशन हमारा नेगेटिव किस एक्स के लिए हो रहा है, माइनस फोर से टू के बीच में। सो एक्स बिलोंग्स टू माइनस फोर से टू। अच्छा अब हम लोग को ब्रैकेट्स लगाना है, ठीक है। तो ब्रैकेट लगाने के लिए जैसे कि माइनस फोर अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन में पुट कर दिया होता एक्स की जगह, अगर माइनस फोर पुट कर दिया होता तो उससे तो जीरो लेस देन जीरो बन गया होता, जो कि गलत है। मतलब माइनस फोर पे ओपन ब्रैकेट, और अगर टू पुट कर दिया होता तो टू यहां पे पुट करते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टू यहां पे पुट करते तो फिर से जीरो लेस देन जीरो बन गया होता, जो कि रॉन्ग है। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाता, एक्स बिलोंग्स टू माइनस फोर से टू तक। ठीक है ऐसे भी तो इक्वेशंस बनते हैं जिनमें एक भी सोल्यूशन जीरो, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो जीरो हो ही नहीं सकता। हाँ वो सब आज मैं डिस्कस करूंगा उस बारे में, ठीक है। सो इतनी बात क्लियर है तुम लोग को, इतना हम लोग ने लास्ट क्लास में सीखा था। यस सर। और एक चीज हम लोग ने और सीखी थी, व्हाई इज द एक्सप्रेशन नेगेटिव। कौन सा एक्सप्रेशन, एक बार खुद को अनम्यूट करो ना, कौन सा एक्सप्रेशन नेगेटिव की बात कर रहे हो?
सर आपने जो ब्रैकेट में रखा है -4 और 2 सर, वो कौन हाँ से बेसिस में रखा है सर? देखो, हमारा जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग, ये नंबर लाइन समझ में आई तुम लोग तुमको कि यहाँ पे प्लस क्यों लिखा, यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, यहाँ पे प्लस क्यों लिखा, हाँ सर, यस। ये क्लियर है? तो ये जो प्लस माइनस प्लस है, ये किसके साइंस है? ये इस एक्सप्रेशन के साइन है। भूल जाओ कि ये इनइक्वालिटी है, ये बस एक्सप्रेशन के साइन है। ठीक है, इसका मतलब कि जब एक्स 2 से बड़ा होता तो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता। सिमिलरली एक्स अगर -4 से 2 के बीच में होता तो एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव आउटपुट देता, एंड एक्स माइनस फोर से छोटा होता तो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता। ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन तो पूरा ये है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा, हम लोग को क्या चाहिए? एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन 0। इट मीन्स वी वांट समझ में आ एक्सप्रेशन गया सर, शुड समझ बी में आ गया। नेगेटिव, यस इसलिए हम लोग ने नेगेटिव वाला इंटरवल चूज किया। अगर ग्रेटर देन 0 होता तो पॉजिटिव वाला चूज करते। ठीक है, बाकी सबको क्लियर? ये सब में किसी को कोई डाउट सर, ओपन बोलो। ब्रैकेट क्यों दिया वो समझ नहीं आता। ओपन ब्रैकेट इसलिए लिया कि देखो, अगर मैं मान लो क्लोज ब्रैकेट लेता -4 पे, इसका मतलब -4 हमारे सॉल्यूशन का पार्ट हो रहा होता। हाँ, अब तुम ही सोचो कि जब मैं x की वैल्यू -4 इस क्वेश्चन में डालता तो उससे, तो जब तुम x की वैल्यू -4 डालते तो उससे तो 0 लेस देन 0 आता। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स फॉल्स। है। इसका मतलब x इज इक्वल टू -4 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब x इज इक्वल टू -4 इसके सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं होगा, इसलिए -4 पे ओपन ब्रैकेट लगाया। मतलब -4 को हम लोग को इंक्लूड नहीं करना। ओपन ब्रैकेट कब लगाते हैं? जब हम लोग को इंक्लूड नहीं करना रहता है। और क्लोज ब्रैकेट कब लगाते हैं? जब अपने आप को उस एंड पॉइंट को इंक्लूड करना रहता है। हाँ, अगर इनइक्वालिटी में 0 के बदले और कोई नंबर होता वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, अभी तो हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। ठीक है, धीरे 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 वी विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। ओके, अच्छा, ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैंने रेशियो में दिया था, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। जैसे ए इंटू बी का साइन देखते थे, वैसे ही ए अपॉन बी का साइन देखते थे। जैसे फॉर फॉर एग्जाम्पल, ये भी मैंने करवाया था ऐसे टाइप का, से ऐसा है x-1 अपॉन x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो था कि वी कांट क्रॉस मल्टीप्लाई x-2, x-2 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, इधर नहीं भेज सकते थे। क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी लीनियर टर्म जो होता है ना, लीनियर टर्म का क्या मतलब है? एक्स प्लस बी टाइप का टर्म, मतलब जिसमें एक्स का पावर 1 होता है। सो दिस एनी एनी काइंड ऑफ लीनियर टर्म, ये एक्स की अलग अलग वैल्यूज के लिए कभी नेगेटिव इनपुट भी दे सकता है और कभी पॉजिटिव इनपुट भी दे सकता है। एनी काइंड ऑफ लीनियर टर्म फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, इट कैन समटाइम्स गिव नेगेटिव इनपुट, नेगेटिव आउटपुट, इट कैन समटाइम्स गिव पॉजिटिव आउटपुट। जैसे मान लो एक्स -2 है, तो तुम सोचो कि एक्स इज इक्वल टू 3 पे ये वाला एक्सप्रेशन कैसा आउटपुट देता? पॉजिटिव आउटपुट, 3-2। लेकिन अगर तुम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन कैसा आउटपुट देता? नेगेटिव आउटपुट। सो अलग अलग x की वैल्यू के लिए ये वाला एक्सप्रेशन डिफरेंट आउटपुट देता, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट साइंस ऑफ आउटपुट देता। मैटर क्या कर रहा है? आउटपुट का साइन मैटर कर रहा है हमको। सो
अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से प्रॉब्लम क्या हो रही होती, अगर हमको अगर मैं किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी का साइन सेम रखता है, लेकिन अगर मैं नेगेटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स कर देता है। वो हम लोग ने पढ़ा था अभी लास्ट क्लास या लास्ट टू लास्ट क्लास जिसमें भी पढ़ा था, ठीक है। सो हम लोग ऐसी क्वांटिटी को इनइक्वालिटी में कभी भी ऐसी क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जो पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट दोनों दे दे। इतनी बात क्लियर है? तो यहां पे एक्स माइनस टू को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था। अच्छा, तो अब हम लोग को इसमें अब हम लोग ने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, अगेन द सेम क्रिटिकल पॉइंट, यहां पे एक तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और एक एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो इससे x इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू टू आ गया। तो यहां पे जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स बने वो क्या बने हमारे, वन एंड टू। अब देखो जब x की वैल्यू टू से बड़ी होती अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू चेक द साइन ऑफ एक्सप्रेशन। सो अगर आपकी x की वैल्यू टू से बड़ी होती तो ये भी पॉजिटिव आउटपुट होता और ये भी पॉजिटिव आउटपुट होता, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। एक्स की वैल्यू अगर वन से टू के बीच में होती से मान लो 1.5 होती तो ये तो पॉजिटिव होता और ये नीचे वाला नेगेटिव होता, मतलब ओवरऑल क्या हो जाता, नेगेटिव। और एक्स की वैल्यू अगर वन से छोटी होती, सो इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन वन, तो ऊपर वाला भी नेगेटिव होता और नीचे वाला भी नेगेटिव होता, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो गया होता, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हम लोग को क्या चाहिए, वी वांट द एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन, अगर हम इस एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू टू रखते हैं तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा फिर। हाँ तो वो तो एक्स की वैल्यू हम लोग कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। हाँ सर, सो हम लोग x की वैल्यू कभी भी 2 रखेंगे ही नहीं, ठीक है। तुम ये समझो कि 2 जो है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। आई एम नॉट सेइंग कि 2 हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट होगा ही, 2 इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू आर क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग से बोला जाए कि पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट करना है तो उसके लिए बाउंड्री कौन एक्ट करता है, जीरो एक्ट करता है। तो जीरो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, कुछ भी नहीं होता, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, लेकिन जीरो एक ऐसी बाउंड्री है जो पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट करता है। सिमिलरली टू एक बाउंड्री की तरह एक्ट कर रहा होगा, टू क्या हो रहा होगा, एक बाउंड्री की तरह एक्ट कर रहा होगा। टू एक बाउंड्री की तरह एक्ट कर रहा होगा, सो इसका यह मतलब नहीं कि टू हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट होगा ही। अब देखो what we want that expression should be greater than equal to zero, मतलब हम लोग को एक तरीके से चाहिए कि expression should be positive। अब किस value of x के लिए expression positive है, इसके लिए तो पहले interval लिख लिया जाए bracket लगाए बगैर। देखो plus infinity and minus infinity पे हमेशा open bracket होगा, अब वन और टू पे क्या होगा वो सोचना है। तो जैसे वन और टू पे निकालने के लिए ना वन और टू को पुट करके देख लेना चाहिए क्वेश्चन में। जैसे मान लो मैंने एक्स की वैल्यू वन पुट की होती तो उससे क्या बन गया होता, जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है सर।
ये ट्रू है, इसका मतलब वन हमारे सोल्यूशन सेट का पार्ट होता कि नहीं होता? होता सर, होता होता। तो वन को हम लोग को कैसे ब्रैकेट में लगाना चाहिए? क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट जो भी को, ठीक है। टू, अगर मैं टू इस क्वेश्चन में पुट कर रहा होता तो उससे तो गड़बड़ हो जा रही होती। क्या गड़बड़ हो रही होती? कि हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो रहा होता और हम लोग को मैथ्स में कभी भी डिनोमिनेटर को एग्जैक्टली जीरो करना ही नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए एग्जैक्टली। सो हम लोग वो एक्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते जो डिनोमिनेटर को जीरो कर रहा हो, इसलिए टू पे हम लोगों ने ओपन ब्रैकेट लगा दिया। टू पे हम लोगों ने क्या लगा दिया? ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, इट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई इतना तक हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो जल्दी से। नो सर। नहीं है? पक्का नहीं है सर। व्हाट इफ आरएचएस इज नॉन जीरो? वेरी गुड। देखो ये जो क्रिटिकल पॉइंट वाला मेथड है जो भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, उस वो लगाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? यही इसका एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक को ओपन करके फिर वो एलएचएस में ले आएंगे ना। यही इसका एग्जैक्ट आंसर है और कुछ नहीं है, यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। हाँ, तो अभी तक हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन, जितने भी एग्जांपल्स देखे उसमें राइट हैंड साइड जो था वो जीरो था इफ यू ऑब्जर्व, और आगे जितने भी क्वेश्चंस करने भी है उसमें हम लोग को ये इंश्योर करना है कि राइट हैंड साइड जीरो ही हो। लेफ्ट हैंड साइड भले एक एक्स का एक्सप्रेशन टाइप का हो बट राइट हैंड साइड शुड ऑलवेज बी जीरो। अगर मान लो राइट हैंड साइड जीरो नहीं है तो कुछ करके हम लोग को उसको जीरो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब से एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलो इसको ट्राई करो एक बार। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। अब इस बार राइट हैंड साइड जीरो नहीं है तो मैं डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट मेथड नहीं लगा पाऊंगा। हो गया सर? हो गया? यस सर, यस सर, हो गया सर, हो गया सर। तो बताओ आंसर क्या है? बोलो आंसर क्या है सर? सबसे पहले 2x माइनस 1 एक 1 को LHS में ले गए, माइनस 1 हो गया, उससे सॉल्व किया, उससे x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 आया, उसके बाद 2 और
मतलब 3 और माइनस 2 का क्रिटिकल पॉइंट्स भी है, उसके बाद 3 के आगे पॉजिटिव आएगा, 3 एंड माइनस 2 के बीच में नेगेटिव आएगा, एंड 2 से छोटा पॉजिटिव आएगा, माइनस 2 से छोटा पॉजिटिव आएगा, उसके बाद फिर आ गया ना माइनस इनफिनिटी कॉमा माइनस 2 यूनियन 3 कॉमा इनफिनिटी. गुड. The answer will be minus infinity से minus 2 union 3 से infinity. ये answer होना चाहिए हमारा. कितने लोग का ये answer आया? Minus infinity से minus 2 union. Very good. बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. अब देखो. तो अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं. पहले मैं सोचता कि क्या मैं क्रिटिकल पॉइंट मेथड डायरेक्टली लगा सकता हूं, तो मैं कहता नहीं लगा सकता. क्यों नहीं लगा सकता? जस्ट बिकॉज कि इधर जीरो नहीं है, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट मेथड डायरेक्टली नहीं लगा सकता. अच्छा, दूसरा बात मैं सोचता कि क्या मैं एक्स प्लस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो वो भी नहीं कर सकता था. क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि कोई भी लीनियर टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट दोनों दे सकता है. सो इनइक्वालिटी का साइन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रखेंगे वो तो हमको पता नहीं, इसलिए उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. सो अब हम लोग को इधर जीरो बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, इस वन को इधर लेके आ जाते हैं. So, one को इधर लेके आ गया कैसे? एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं अपने को. अच्छा, अब नीचे देखो, x प्लस 2 लिख लिया, 2x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 2x माइनस x, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखो, अब ये एकदम क्रिटिकल पॉइंट से सुटेबल हो गया. तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आते? माइनस 2 एंड 3, ये क्रिटिकल पॉइंट आते. अब जब x 3 से बड़ा होता तो ये वाला एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव होता, ये वाला भी पॉजिटिव होता. माइनस 2 से 3 के बीच में नेगेटिव, और माइनस 2 से छोटे के लिए पॉजिटिव. अपने को क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब एक टाइप का पॉजिटिव चाहिए. तो पॉजिटिव कहां से आता? माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी. अब 2 और 3 पे ब्रैकेट्स डालने हैं, तो देखो 3 अगर डालते तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब 3 सॉल्यूशन सेट का पार्ट होता. माइनस 2 क्या कर रहा होता? इस एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर को जीरो कर रहा होता, जो कि कभी भी डिजायरेबल नहीं है. तो माइनस 2 हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं हो सकता था, और यही अपना आंसर हो. समझ में आई बात? यस सर. हाँ, एक और क्वेश्चन करते हैं. डेफिनेटली ये क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है. Yes, सबको समझ में आया वाला क्वेश्चन? इसमें किसी को डाउट हो तो एक बार अनम्यूट करके पूछ लो यार. शैल वी मूव फॉरवर्ड? यस सर. चलो, वन मोर क्वेश्चन.
चलो ये क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है अब करो। नीचे x प्लस टू है, ठीक है क्लास के एंड में बताता हूं। अगर तीन क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स को लेकर चलना है आपको, ठीक है। उससे क्या होगा कि तुम्हारी नंबर लाइन चार पार्ट में डिवाइड होगी, अलग होगा थोड़ा अलग होगा। चलो तो कितने लोग का हो गया सर? एक मिनट हो गया सर। करो 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 करो, दो मिनट सर, हो गया सर। सर हो गया, हो गया। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ब्रिंग दिस टू ओवर हियर। सो हमारा क्या बनना है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स होल अपॉन एक्स प्लस टू माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब एक्स प्लस टू का एलसीएम ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये वाली चीज क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर होल अपॉन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अभी जो न्यूमरेटर है ना वो फैक्टराइज हो जाएगा एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस वन में, होल अपॉन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके अब देखो, अब एकदम ये क्रिटिकल पॉइंट वाला बन गया, क्यों? क्योंकि यहां पे राइट हैंड साइड क्या आ गया, जीरो आ गया। अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं हमारे क्वेश्चन के लिए वो माइनस फोर माइनस टू एंड वन होते हैं।
अब देखो अगर x हमारा 1 से बड़ा होता, अगर x हमारा 1 से बड़ा होता तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बन जाता। x हमारा माइनस 2 से 1 के बीच में होता, तो तुम कोई नंबर ले लो माइनस 2 से 1 के बीच में, से 0, 0 डाला x की जगह, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल क्या बन जाता, नेगेटिव बन जाता। माइनस 4 से माइनस 2, जैसे मान लो माइनस 3 ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। फिर उसके बाद जैसे मान लो मैंने माइनस 4 से छोटा वाला कोई इंटरवल लिया, उसमें से एक एक्स वैल्यू माइनस 5 डाल दी, तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। अब हम लोग को क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव वाला चाहिए। तो पॉजिटिव वाला एक तो इंटरवल ये है और दूसरा इंटरवल ये है, सो एक्स बिलोंग्स टू माइनस 4 से माइनस 2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब हम लोग को ब्रैकेट्स सोच समझ के डालना है। देखो अगर माइनस 4 डालते तो न्यूमरेटर से 0 हो जाता, एंड 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब माइनस 4 सॉल्यूशन सेट का पार्ट होता। अगर माइनस 2 डालते तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता, जो कि नहीं चाहिए, इसलिए माइनस 2 सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं होता। अगर 1 डालते तो फिर से न्यूमरेटर 0 हो जाता, मतलब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि ट्रू होता है, मतलब 1 सॉल्यूशन सेट का पार्ट होता। सो ये हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यस सर। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, किसी को डाउट है? तो सर अगर अगर 4 क्रिटिकल पॉइंट है तो 4 लेके करने का ना? हाँ सर, थैंक यू सर। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसी को डाउट नहीं है ना सर? एक डाउट है। हाँ बोलो सर। अगर मतलब जैसे यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स में आया सर, अगर सपोज ये 5 उसमें डिवाइड हो रहा होता, हाँ सर, एक और पॉजिटिव वाला आता अगर वो बाद वाला सपोज, सर तो हम क्या 3 ब्रैकेट बनाते क्या? हाँ 3 ब्रैकेट्स बनाते हैं सर। तो पॉसिबल है ना कि तीनों मतलब 2 यूनियन के साइन लगा सकते हैं ना हम लोग? हाँ हाँ हाँ, तुम ऐसे लिख सकते हो जैसे माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 1 से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी, लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। तो सर कितने भी यूनियन लगा सकते हैं बीच में? डेफिनेटली कितने भी यूनियन लगा सकते हो। थैंक यू सर। ओके अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो इस क्वेश्चन को करो। थोड़ा साइड में हो जाइए। Thank you. हो गया सर। सर इसमें माइनस 2 को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, मतलब 2 को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है क्रिटिकल पॉइंट।
चलो सो इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है हम लोग को. तो ये क्वेश्चन पिछले कुछ क्वेश्चन से डिफरेंट है. किस हिसाब से डिफरेंट है कि पिछले सब क्वेश्चन में जो लीनियर टर्म था उसका पावर वन था. अभी क्या है, इसमें एक लीनियर टर्म है जिसका पावर टू है. अच्छा, अगर लीनियर टर्म, अगर कोई लीनियर टर्म है जिसका पावर ऑड है, कोई लीनियर टर्म है जिसका पावर ऑड है, तो वो पॉजिटिव आउटपुट भी दे सकता है और नेगेटिव आउटपुट भी दे सकता है, ठीक है. लेकिन अगर कोई लीनियर टर्म है जिसका पावर इवन है, किसी भी चीज का इवन पावर कैसा आउटपुट देगा, हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा. ऑलवेज इट इज गोइंग टू गिव अस पॉजिटिव आउटपुट. इतनी बात समझ में आई. सो अगर हम लोग से पूछा जाए कि ये वाला ब्रैकेट कैसा आउटपुट देता फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, आई वुड हैव सेड ये पॉजिटिव भी दे सकता था, नेगेटिव भी दे सकता था. ये वाला ब्रैकेट कैसा आउटपुट देगा, तो मैं अगेन कहता ये पॉजिटिव भी दे सकता था, नेगेटिव भी दे सकता था. अगर ये होल स्क्वायर कैसा आउटपुट देता, तो ये कैसा आउटपुट देता, हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता, ठीक है. तो हम लोग को किसी भी टर्म को इनइक्वालिटी को ऑपोजिट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं होती अंटिल एंड अनलेस कि इनइक्वालिटी के साइन पे कोई आंच ना है. तो अगर हम लोग से कोई पूछे कि क्या सर हम एक्स माइनस वन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या इधर, तो मैं कहता कि नहीं कर सकते, क्योंकि x माइनस वन पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट दोनों दे सकता था. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इनइक्वालिटी का साइन क्या रखता, सेम रखता या रिवर्स करता, दैट वी डोंट नो. सेम केस विथ x माइनस थ्री. बट अगर मेरे से कोई पूछे कि क्या सर मैं x माइनस टू के होल स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता था, तो मैं कहता हाँ कर सकता था. क्यों, क्योंकि वो हमेशा ही एक पॉजिटिव आउटपुट देता. क्रॉस मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं है. दिक्कत कहां पे होती थी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी के साइन को क्या रखना है, उसमें दिक्कत होती थी. और क्योंकि x माइनस टू का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, इट विल ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव आउटपुट, तो मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं. और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी का साइन तब भी वही रहेगा जो पहले था. इस बात से सब लोग अग्री करेंगे, पहले ये बताओ. यस yes, सर. एनीवन ऑफ यू हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट दैट व्हाई वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस होल स्क्वायर टर्म एंड व्हाई वी कांट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस लीनियर टर्म, फिर से बताओ. देखो बिना क्रॉस मल्टीप्लाई किए भी तो निकाल सकते हैं ना. हाँ, बिना क्रॉस मल्टीप्लाई किए निकाल सकते हैं. फिर से सुनो जिसको नहीं समझ में आया, जैसे ये लीनियर टर्म के ऊपर ऑड पावर अगर है तो वो पॉजिटिव आउटपुट भी दे सकता है, नेगेटिव आउटपुट भी दे सकता है. लेकिन अगर लीनियर टर्म के ऊपर इवन पावर है तो वो हमेशा कैसा आउटपुट देगा, पॉजिटिव आउटपुट देगा. तो हम लोग इनइक्वालिटी के दूसरे साइड क्रॉस मल्टीप्लाई तभी कर सकेंगे किसी टर्म को जब हम लोग को एग्जैक्टली पता होगा कि इस टर्म का साइन कौन सा है, ठीक है. अब इसको अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये इनइक्वालिटी का साइन क्या रखोगे वो तुमको नहीं श्योर है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट दोनों दे सकता था. लेकिन अगर तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो इवन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंस इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम. सर एक डाउट. हाँ बोलो. सर x माइनस टू का होल स्क्वायर तो जीरो भी हो सकता है फॉर x इक्वल टू टू, तो फिर जीरो भी हो सकता है. क्या अनडिफाइंड कर देगा? हाँ, अनडिफाइंड नहीं. देखो हम लोग क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है ना उसमें देखते हैं कि अनडिफाइंड के चांसेस हैं कि नहीं है. इंटरमीडिएट स्टेप्स में अनडिफाइंड के चांसेस नहीं देखते. जो ओरिजिनल क्वेश्चन का एक्सप्रेशन है
उसमें देखते हैं अनडिफाइंड के चांसेस हैं कि नहीं। इसमें कहीं तुमको लग रहा है कि अनडिफाइंड के चांसेस हैं? नो सर, नहीं है। इसमें तो अनडिफाइंड के चांसेस तो कहां बनते हैं? जब न्यूमरेटर होता है और उसके जीरो होने के चांसेस होते हैं, वहां पे अनडिफाइंड के चांसेस। ठीक है, अब देखो यहां पे होल स्क्वायर है तो उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस होके, थोड़ा सा कॉशियस होके। क्यों कॉशियस क्यों होऊंगा? क्योंकि होल स्क्वायर जीरो भी हो सकता है। होल स्क्वायर क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। अच्छा, होल स्क्वायर किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए जीरो होता? एक्स इज इक्वल टू टू के लिए होल स्क्वायर जीरो होता। अच्छा, अगर हम लोग से पूछा जाए ऐसे ही कि क्या x इज इक्वल टू टू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, देन आई विल से यस, x इज इक्वल टू टू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि जब आप x की वैल्यू टू डालोगे उससे क्या आ जाएगा अपना, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, सो होल स्क्वायर का कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन में, तो उस कॉन्ट्रीब्यूशन का भी कंसिडरेशन करना है हम लोग को। तो हम लोग ने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले जिस एक्स पे होल स्क्वायर जीरो हो रहा था उस एक्स को पुट करके देखा कि क्या वो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने देखा कि हाँ, x इज इक्वल टू टू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कॉर्नर में लिख लिया कि x इज इक्वल टू टू इज अ सॉल्यूशन, और बाकी और भी आगे सॉल्यूशन आएंगे वो बाद में देखेंगे। ओके, अब ऐसा लिखने के बाद, ऐसा लिखने के बाद, हाँ बोलो क्या होगा सर? x इक्वल टू टू क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा क्या? हम लोग क्रिटिकल, देखो क्रिटिकल पॉइंट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा लंबा चला जाएगा हमारा क्वेश्चन। मतलब मैं क्रिटिकल पॉइंट मेथड से भी बता सकता हूँ, अभी बताऊंगा। ठीक है, दोनों से तुम्हारे आंसर सेम आएंगे। अभी हम लोग क्रिटिकल पॉइंट मेथड से नहीं सीख रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को थोड़े डिफरेंट तरीके से सीख रहे हैं सॉल्व करना। ध्यान से सुनते जाओ। अब मैंने इस होल स्क्वायर का कॉन्ट्रीब्यूशन देख लिया। इस होल स्क्वायर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि एक्स इज इक्वल टू टू इस इनइक्वालिटी का एक सोल्यूशन होगा। क्या लिखा? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया तो चलेगा, बट प्लीज लिसन दिस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां पे जितने भी टर्म्स हैं सारे के सारे ऑड पावर्स हैं। इनइक्वालिटी का साइन सेम क्यों रखा? क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी को अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और जीरो क्यों बना? क्योंकि जीरो अपॉन x माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होता? जीरो ही होता। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्रिटिकल पॉइंट मेथड की हेल्प से। तो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो क्या बताता? इस क्वेश्चन के क्रिटिकल पॉइंट्स वन और थ्री होते हैं। अब देखो, जब मैं ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, मतलब हम लोग को पॉजिटिव वाला चाहिए। तो पॉजिटिव वाला क्या होता? माइनस इनफिनिटी से वन यूनियन थ्री से इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा, जब एक्स की वैल्यू वन पुट करता तो उससे जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो कि ट्रू होता, मतलब वन सॉल्यूशन सेट का पार्ट होता। जब एक्स की वैल्यू थ्री पुट करता अगेन जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो कि सॉल्यूशन सेट का पार्ट होता। अच्छा, इतना लिखने के बाद फिर मैं यहां पे आया। मैं कहां आया? यहां पे। और ये देखा कि क्या ये जो x इज इक्वल टू टू लिखा हुआ है ये इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब इसका इसमें एडजस्टमेंट और हम लोग को करना है। टू भी हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट है, लेकिन इसके बीच में कहीं टू दिख रहा है तुमको? बताओ, इसमें कहीं टू दिख रहा है क्या तुमको? नहीं सर, नहीं दिख रहा।
ठीक है, तो इसलिए हम लोग को टू को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अच्छा टू तो क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट है तो इसलिए टू को हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट में इंक्लूड किया, इसलिए टू को हम लोगों ने कैसे इंक्लूड किया कर्ली ब्रैकेट। ये मेथड समझ में आया? तो उसके बाद मैं क्रिटिकल पॉइंट मेथड से आपने टू को इंक्लूड क्यों किया? टू को इंक्लूड मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो ये होल स्क्वायर वाला टर्म ऐसे फालतू के लिए तो बैठा नहीं है, कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करेगा, भले एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूट करे लेकिन करेगा ही। तो जैसे मान लो ये होल स्क्वायर वाला टर्म किस एक्स पे जीरो होता, एक्स इज इक्वल टू टू पे जीरो होता। अब तुम सोचो जब मैं एक्स की वैल्यू टू इस क्वेश्चन में डालता तो उससे क्या बन रहा होता हमारा, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो कि टू स्टेट में समझा चो। और बाकी लोग भी सुन लो, तो उससे x इज इक्वल टू टू इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का पार्ट होता। अब जब मैं x माइनस टू का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया होता, एक मिनट रुको, कोई लोग लिखेगा नहीं, सब लोग अनम्यूट करके डाउट पूछे, ठीक है, कोई भी उसमें डाउट मत लिखो। अब जब मैं होल स्क्वायर को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता तो फिर तो क्वेश्चन हमारा ऐसा ही बन गया होता ना, ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन बन गया होता। तो इस क्वेश्चन में तो हमको पता ही नहीं चल रहा कि x माइनस टू का होल स्क्वायर पहले था भी कभी, इसलिए x माइनस टू के होल स्क्वायर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होना था क्वेश्चन में वो हम लोग ने लिख के रख लिया। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट निकाला, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट तो निकालना सीखते आ रहे हैं, तो उससे क्या था माइनस इंफिनिटी से वन यूनियन थ्री से इंफिनिटी। अच्छा हम लोग को x माइनस टू के होल स्क्वायर से ये इंफॉर्मेशन जरूर थी कि x इज इक्वल टू टू बी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेट का पार्ट है, ठीक है। अब मैं पहले चेक करता कि ये जो इंटरवल लिखा है इसमें टू है कि नहीं है, नहीं है तो मैं फिर अलग से टू को इंक्लूड कर रहा होता क्योंकि टू भी हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट होता, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। हाँ अब एक एक करके अनम्यूट करके पूछो किसको क्या डाउट है। सर तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर खाली ग्रेटर देन साइन है जीरो के, मतलब सम टर्म इज ग्रेटर देन जीरो और उस टर्म में कोई भी लीनियर टर्म का होल कोई भी इवन पावर हुआ है तो फिर हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, सही बात। सर हर केस में ऐसा थोड़ी ना रहेगा। नहीं मैं एग्जांपल देता हूँ समझ में आएगा, सही बोला। और किसको क्या डाउट था जल्दी जल्दी बताओ तो मैं नाम लेके पूछूंगा फिर। जेड थाने सर सर हाँ बोलो। वो पॉजिटिव इनफिनिटी के बाजू में भी क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए था ना? नहीं इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है ना, वो तो कन्वेंशन ही होता है। क्लोज ब्रैकेट लगा दिया प्लस इनफिनिटी या माइनस इनफिनिटी पे, इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स एग्जैक्टली इनफिनिटी हो गया। अच्छा इनफिनिटी की तरफ तो हम लोग केवल अप्रोच कर सकते हैं, इनफिनिटी को अचीव तो नहीं कर सकते ना। x इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिखने का क्या मतलब है कि x ने इन्फिनिटी को अचीव कर लिया, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, न मैं कर सकता हूं न तुम कर सकते हो। सो हमारे द्वारा बनाया गया x कैसे कर जाएगा, ठीक है। और किसको क्या डाउट है जल्दी जल्दी पूछो। बोलो भाई किसी को डाउट है? एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? शर्माने की जरूरत नहीं है, चैट बॉक्स में लिख लो अगर डाउट है तो। ओके चलो
सो अब हमको ये पता चला कि अगर कोई क्वांटिटी एंटायरली पॉजिटिव है तो उसको मैं क्रॉस मल्टी पढ़ाई करते हैं भाई लॉजिकल क्वेश्चन बाद में. कोई क्वांटिटी एंटायरली पॉजिटिव है तो उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय ऐसा नहीं कि आग बंद करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. हम लोग को और क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय उस जो होल स्क्वायर वाला टर्म है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये क्वेश्चन होता एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज लेस देन जीरो. ठीक है, तो अपने इसको कैसे कर रहे होते, जैसे मान लो इसको मैंने फैक्टराइज किया तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज लेस देन जीरो. ठीक है, तो ये समथिंग वैसे टाइप का क्वेश्चन बन गया जो लास्ट टाइम था. बस पिछली बार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, इस बार क्या हो गया लेस देन जीरो. वीडियो लाइक कर रहा है क्या? यस सर. हाँ सर. यस सर. पिछले वाले आंसर में टू को हटा के हर जगह ओपन ब्रैकेट्स लगा देना. चलो अभी ठीक चल रहा है वीडियो? यस सर. अभी लैग कर रहा है कि नहीं कर रहा? ब्लर्ड है. लैग भी कर रहा है. हाँ, रहा है. वापस लैग और अब बहुत देर से प्रॉब्लम है कि अभी ये प्रॉब्लम आई है? बस अभी बस अभी जस्ट अभी जस्ट पहले डी की जस्ट आई. सर अब अभी ठीक नहीं है. हाँ वो मैं देखता हूँ. अभी कैसे? अभी भी प्रॉब्लम है सर? सर अभी ठीक है. सब लोग बताओ, कमेंट करो. अरे मतलब कि प्रॉब्लम है कि क्लियर है? स्टिल ब्लर सर. वीडियो ब्लर है थोड़ा. वीडियो ब्लर सर. लैग तो नहीं कर रहा, बट ब्लर्ड है.
स्टिल ब्लर अभी ठीक है थोड़ा सा अभी ठीक है सर अच्छा चलो ठीक है ओके तो अब देखो यहाँ पे जो होल स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन है वो देखना है तो होल स्क्वायर पॉजिटिव वे में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है और नेगेटिव वे में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है मतलब तुम ऐसा सोचो कि जैसे इस होल स्क्वायर का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है टू होता तो अगर तुम एक्स की वैल्यू टू पुट करते थोड़ा एडजस्ट करो दो पांच मिनट एडजस्ट करो मेरे ख्याल से सही हो जाएगा अगर तुम एक्स की वैल्यू टू पुट करते तुम सुनते हो या तुमको सब समझ में आएगा आई थिंक मैं थोड़ा लार्ज फॉन्ट में लिखूंगा अगर तुम एक्स की वैल्यू टू पुट करते यहां पे तो उससे जो है जीरो लेस देन जीरो आता इफ आई पुट एक्स इज इक्वल टू टू आई विल बी गेटिंग जीरो लेस देन जीरो विच इज नॉट पॉसिबल मतलब विच इज फॉल्स इसका मतलब हम लोग ने इस होल स्क्वायर का कॉन्ट्रीब्यूशन ये लिख लिया कि x 2 नहीं हो सकता x क्या है 2 नहीं हो सकता ठीक है ओके अब इसका कॉन्ट्रीब्यूशन लिखने के बाद इस होल स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया विदाउट एनी कंसर्न सो ये बनेगा x माइनस 1 into x minus 3 is less than 0 x minus 1 into x minus 3 is less than 0 तो इसका critical point method से solve करते हैं तो 1, 3 positive, negative positive ठीक है 1, 3 positive, negative, positive हम लोगों को क्या चाहिए? less than 0 चाहिए तो less than 0 कहां से कहां तक आता? 1 से 3 तक आता हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होता x बिलोंग्स टू 1 से 3 अब देखो 1 क्या कर रहा होता 0 लेस देन 0 कर रहा होता तो 1 हम लोग अपने सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं कर सकते थे 3 अगेन 0 लेस देन 0 कर रहा होता तो 3 को भी अपने सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं कर सकते थे फिर ऐसा करने के बाद फिर यहां पे गए फ्रीज हो गया सर वीडियो फ्रीज हो गया सर वीडियो गायब हो गया सर वीडियो गायब हो गया सर फ्रीज हो गया सर आता है अभी आया अभी आया सर अभी आ गया आया सर लेकिन बहुत ब्लर है सर ठीक है सर हाँ अभी ठीक है सर चलो ठीक है सो 1 से 3 के बीच में क्या 2 आता है क्या हाँ आता है और तू तो हमको चाहिए नहीं तू तो हमको चाहिए नहीं इसका मतलब कि तू हम लोग को एक्सक्लूड करना होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 से 3 माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट ऐसे लिख सकता हूं या x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 2 से 3 ऐसे भी लिख सकता हूं 1 से 2 यूनियन 2 से 3 2 पे देखो क्या होता ओपन ब्रैकेट होता इधर भी 2 पे ओपन ब्रैकेट होता इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि दोनों जगह से 2 इंक्लूड हो नहीं रहा है दोनों जगह से कहीं से भी 2 इंक्लूड नहीं हो रहा सो x जो है वो 1 से 3 एक्सेप्ट टू या तो तुम ऐसे क्वेश्चन लिख सकते हो या सॉरी या तो तुम ऐसे आंसर लिख सकते हो या तो ऐसे आंसर लिख सकते हो इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू यस सर अच्छा अगर मान लो ऐसा होता कि एक्स इज इक्वल टू टू होता एक्स इज इक्वल टू टू यहां से आ रहा होता होल स्क्वायर के कॉन्ट्रीब्यूशन से और इस क्रिटिकल पॉइंट मेथड से x belongs to 1 से 3 आ गया तो मैं देखूंगा कि 1 से 3 के बीच में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा क्योंकि 2 हमको चाहिए सॉल्यूशन सेट में और 2 आ रहा है तो फिर मैं अलग से नहीं बोलूंगा कि यूनियन 2 ऐसा लिखना अच्छी बात नहीं होगी ठीक है
क्यों नहीं होगी? क्योंकि 1 से 3 के बीच में 2 तो आ ही गया है और 2 हमको चाहिए था। जैसे तुम ऐसे सोचो कि कोई एक पार्टी है, उसमें तुमने बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट किया है और वो गेस्ट और उसमें से एक गेस्ट जिसको इनवाइट किया था वो भी आ गया है। अब तुम उसको फोन करके थोड़े कहोगे, स्पेशली तुम थोड़े कहोगे अरे तुम आ गए हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं करेंगे कि अलग से उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे देंगे यूनियन टू। क्यों? क्योंकि 1 से 3 के बीच में 2 ऑलरेडी आ चुका होता। हाँ, लेकिन अगर 1 से 3 के बीच में 2 नहीं आना चाहिए था, मतलब अगर x को 2 नहीं होना चाहिए था और 1 से 3 के बीच में सोल्यूशन सेट आ रहा है, तो हम लोग 2 को हटाएंगे। या मैं उस फ्रेंड को फोन, एक फ्रेंड है जिसको नहीं बुलाया था, उसको फोन करके कहूंगा कि तुमको नहीं आना है, ठीक है? ये बात समझ में आई? यस सर। ओके, चलो। सो होल स्क्वायर या होल रेस टू 4, जो भी इवन पावर्स है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? बहुत ही लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका। कल मैथ्स का टेस्ट है क्या? फिजिक्स का सर, पता नहीं, फिजिक्स का तो है। फिजिक्स का है, मैथ्स का तो नहीं है। मैंने तो फिजिक्स का बोला था, मैथ्स का तो नहीं है सर। मैथ्स का नेक्स्ट वीक रखेंगे। तुम लोग का कौन कौन सा टेस्ट हुआ अभी? कल पहला टेस्ट नहीं हुआ, पहला है। अच्छा, तुम लोग वो सब प्रिपेयर करके रखो, लॉगरिदम वगैरह। इसका टेस्ट होगा, नेक्स्ट वीक टेस्ट उसका होगा, उसको प्रिपेयर करके रखो सर। उसके लिए वो प्रिपरेशन में थोड़ा हेल्प करने के लिए, वो आपने जो 20 क्वेश्चंस भेजे थे वो थोड़े अच्छे थे, तो वैसे ही थोड़े और क्वेश्चंस भेज सकते हो। मैंने वो जो भेजा है ना, एक लॉगरिथम वाली शीट और एक भेजी है लेक्चर नोट्स वाली। नोट्स वाली? हां हां, लेक्चर नोट्स। उसमें बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छे-अच्छे हैं, उसको ट्राई करो, ठीक है? ओके, अब देखो अब सुनो। हाँ, तो अब पिछले टाइप का क्वेश्चन दूं कि अब नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए? आगे सर, आगे बढ़ा जाए आई थिंक, ठीक है? Okay. तो अब देखो, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होती है, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में क्या होता है कि जैसे मान लो क्यू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्यू एक्स मतलब कोई क्वाड्रेटिक लिखा है, या क्यू एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, ऐसे टाइप की इनइक्वालिटी होगी, ठीक है? अच्छा, यहां पे ये इंश्योर करना है कि क्यू एक्स का जो लीडिंग कोफिशियंट है वो पॉजिटिव हो। क्यू एक्स का जो लीडिंग कोफिशियंट है वो क्या हो? पॉजिटिव हो। तो एंड क्यू एक्स के रियल रूट्स आते हो, क्यू एक्स के रियल रूट्स आते हो। किसी भी क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स कैसे पता चलेगा हम लोग को? उसके डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा, उसके डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा। तो अगर
qx greater than equal to zero, तो उस inequality का जो solution set होता है वो होता है x belonging to away from the roots, ठीक है. और अगर कोई quadratic है qx less than equal to zero, तो उसका solution set जो होता है वो होता है बिटवीन द रूट्स. ठीक है, इसको एक बार लिखो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं. हो गया सर. फिर इसका मतलब नंबर लाइन पे अवेयर टूवर्ड्स है ना? हाँ हाँ, नंबर लाइन पे अवेयर टूवर्ड्स. अब देखो सर. हाँ बोलो सर. वो लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं. जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो इसको हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट कहेंगे 2. ओके सर. तो हम लोग को क्या करना है क्वेश्चन में कि पहले लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है. अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिर उसके बाद ये वाली कहानी लगानी है. ठीक है, अब मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूं. जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमारा ऐसे होता एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो इसको तुम दो तरीके से कर सकते थे. मतलब या तो तुम क्रिटिकल इसको फैक्टराइज कर दो जिससे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएं. तो देखो जैसे इसको अगर मैं फैक्टराइज करता तो ये फैक्टराइज होकर ऐसे बन जाता और इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आते वो 1 और 4 आते. इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आते वो क्या थे? 1 और 4. फिर अब देखो जब तुम एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी लेते तो ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव बनता. 1 से 4 के बीच में लेते तो ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव बनता. और जब तुम x की वैल्यू 1 से छोटी लेते तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बनता? पॉजिटिव बनता. तो ये मैंने कैसे लिखा? विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल पॉइंट. कैसे सॉल्व किया? क्रिटिकल पॉइंट के मेथड से. तो हम लोग सॉल्यूशन कैसे लिखते? अच्छा, हम लोग को तो क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वाला चाहिए. तो पॉजिटिव वाला क्या था? माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 4 से इंफिनिटी. अब 1 से 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 1 सॉल्यूशन सेट का पार्ट होता और ऐसे ही 4 भी सॉल्यूशन सेट का पार्ट होता. अब इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस अगर मैं ऐसे सोच लेता कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले बताओ इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे? 1 और 4 रूट्स. किस दो टर्म में स्प्लिट हो रहे होंगे उसकी बात नहीं कर रहे, रूट्स की बात कर रहे हैं. तो इसके रूट्स 1 और 4 होंगे. अब क्योंकि ये इनइक्वालिटी कैसे टाइप की है? क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 टाइप की है. तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 में सॉल्यूशन सेट क्या होता है? अवे फ्रॉम द रूट्स. Okay, ये जो रूट्स है उनसे आप दूर चले जाओ, अवे फ्रॉम द रूट्स. अब इसको अगर तुम ब्रैकेट फॉर्म में लिखोगे तो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी आ गया. ठीक है. अच्छा, यहां पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इक्वल टू है तो इनपे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा और अगर ग्रेटर देन केवल ग्रेटर देन 0 है तो 1 और 4 पे क्या जाता? ओपन ब्रैकेट. तो देखो यहां से भी और यहां से भी दोनों जगह से हमारा सॉल्यूशन क्या आया? सेम आया. दोनों जगह से हमारे सॉल्यूशंस कैसे आ गए? सेम आ गए. तो ये वाली चीज समझ में आई? यस सर.
और अगर रूट्स दोनों पॉजिटिव नहीं होते तो पॉजिटिव रूट नहीं हो तो कोई बात नहीं, तो भी सेम ही आंसर आता है, मतलब सेम वे से करना रहता है। हाँ वे सेम रहेगा, हम लोग को तो एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो करना है। व्हाट वी वांट, वी वांट दैट एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। ऐसा नहीं बोला गया कि एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता, हम लोग को तो वो एक्स फाइंड करना है जिसके कारण वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सब बच्चे जल्दी से कमेंट करो कि इतनी बात क्लियर है तुम लोग को। सर ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है सर? इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हम लोग ग्राफ जब पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक में तब मैं दूंगा, अभी तो फिलहाल इसको एज अ रिजल्ट याद करके रख लो। ठीक है, बाकी बच्चों कोई 7-8 बच्चों ने यस यस बोला, बाकी लोग किसी को कोई डाउट है? What is its application? Application यही है ना, quadratic inequality को solve करना directly without any मेहनत, बिना किसी मेहनत के। Okay, अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन से हमारा ऐसा होता एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज लेस देन 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज लेस देन 0। तो इसका अगर तुमको सॉल्यूशन सेट निकालना है तो ये पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव है। हाँ है, तो ये कैसे टाइप का क्वेश्चन बन गया, क्वाड्रेटिक लेस देन 0। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, बिटवीन द रूट्स, सॉल्यूशन सेट विल बी बिटवीन द रूट्स। नाउ सिंस द सॉल्यूशन सेट इज बिटवीन द रूट्स, सो इन दैट केस व्हाट इज गोना हैपन, कि अब इसके रूट्स तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं आ रहे, तो इसके रूट्स, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? बोलो, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से माइनस बी, 49 माइनस 8 कितना होता है, 41। अब इन दोनों रूट्स को तुमको प्रॉपरली प्लॉट करना होगा कि कौन लेफ्ट में आता है कौन राइट में आता है। तो कौन लेफ्ट में आएगा, 7 माइनस रूट 41 बाय 2 लेफ्ट में आएगा और 7 प्लस रूट 41 बाय 2 राइट में आएगा। अच्छा, क्योंकि क्वाड्रेटिक लेस देन 0 है तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, बिटवीन द रूट्स, रूट्स के बिटवीन वाले एरिया को शेड कर दिया हम लोगों ने, क्या कर दिया, रूट्स के बिटवीन वाले एरिया को शेड कर दिया। तो x क्या हो जाता, x बिलोंग्स टू 7 माइनस रूट 41 बाय 2 से 7 प्लस रूट 41 बाय 2। सर आपका आवाज क्रैक हो रहा है। ठीक है, अच्छा ब्रैकेट कैसे होने हैं यहाँ पे, ओपन की क्लोज, ओपन वॉइस नहीं आ रही, सर ओपन ब्रैकेट। आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है सर, आ रही है। अभी अभी आवाज आ रही है, यस सर, हेलो, आ रही है सर। ओके, अपने को ब्रैकेट्स डालने हैं। तो अब देखो, क्योंकि लेस देन जीरो है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, इसलिए अपने यहां पे कौन सा ब्रैकेट पुट करेंगे, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा होता, ये जो दो वैल्यूज ऑफ एक्स है
इसको अगर तुम पुट कर रहे होते तो ये इस चीज को क्या कर रही होती, जीरो बना रही होती। यही तो रूट का डेफिनेशन होता है। तो इसको अगर तुम इसमें पुट करते तो जीरो लेस देन जीरो आता, नहीं भाई वो तो नहीं चलेगा। फिर उधर वाले में भी पुट करते तो अगेन जीरो लेस देन जीरो आता, वो भी नहीं चलेगा। इसलिए 7 माइनस रूट 41 बाय 2 एंड 7 प्लस रूट 41 बाय 2 दोनों ही सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए दोनों पे ओपन ब्रैकेट है। इतना क्लियर? यस सर। ओके, सो लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज लेस देन 0। तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चौथा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज लेस देन 0। पांचवा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। छठा है एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज ग्रेटर देन 0। चलो इन 6 क्वेश्चंस को करना है।
Yes. Sir, fifth का सिंगल सॉल्यूशन आ रहा है. हो गया सर. हो गया. यस सर. एक सर हो गया. चलो. ओके सो लेट्स स्टार्ट डूइंग. देखो हम लोग पहले वो क्वाड्रेटिक को रिकॉग्नाइज करेंगे जिनको हम लोग इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं. तो अगर तुम देखो तो थर्ड को छोड़ के बाकी सारे क्वाड्रेटिक फैक्टराइज वगैरह हो जाएंगे. तो देखो इसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, 3 and 4. और क्योंकि क्वाड्रेटिक ग्रेट और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो क्योंकि क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन जीरो है मतलब आई हैव टू गो अवे फ्रॉम द रूट्स. सो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 4 से इंफिनिटी. अच्छा क्योंकि इक्वालिटी है इसलिए 3 और 4 पे क्लोज ब्रैकेट. ये फर्स्ट का हो गया. सेकेंड देखते हैं. सेकेंड देखो इसका जो रूट है वो माइनस 4 and 1 है और क्योंकि क्वाड्रेटिक लेस देन 0 है तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, बिटवीन द रूट्स. सो एक्स बिलोंग्स टू माइनस 4 से 1 और दोनों जगह ओपन ब्रैकेट लगा दिया. क्यों, क्योंकि लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू नहीं. तीसरा x square plus 9x minus 2 is greater than equal to 0. ठीक है भाई, इसके splitting the middle term से roots नहीं आ रहे तो फिर उस केस में हम लोग क्या करेंगे, quadratic formula से root निकालेंगे. So इसके जो दो roots होते वो एक root ऐसा होता है minus 9 minus root of 89 by 2 फिर माइनस 9 प्लस रूट ऑफ 89 बाय 2. सही लिखा है? यस सर. अब क्योंकि ग्रेटर देन वाला है इसलिए अवे फ्रॉम द रूट्स. अवे फ्रॉम द रूट्स मतलब माइनस इंफिनिटी से माइनस 9 माइनस रूट 89 बाय 2 यूनियन माइनस 9 प्लस रूट बाय 2 से इंफिनिटी. और क्योंकि इक्वल टू साइन है इसलिए यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है. अब थर्ड के बाद शुरू के 3 में किसी को डाउट है, आगे बढ़ा जाए. ओके तो यहां पे स्पेस थोड़ी वैकेंट करते हैं. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में अब देखो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जा रहा है तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग ने क्या किया कि दोनों साइड माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया.
ठीक है। अब माइनस वन से मल्टीप्लाई करता तो क्योंकि एक नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा होता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर जाता है। अब तो वैसे ही टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसके रूट्स वन एंड थ्री है और ग्रेटर देन जीरो है मतलब अवे फ्रॉम द रूट्स, माइनस इंफिनिटी से वन यूनियन थ्री से इंफिनिटी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब देखो फिफ्थ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इट मींस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो बोला गया, अच्छा होल स्क्वायर कभी लेस देन जीरो हो सकता है? लेस देन जीरो होने का क्या मतलब है? नेगेटिव होना। तो क्या किसी चीज का होल स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है रियल नंबर्स में? नहीं हो सकता। अच्छा कभी होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो सकता, इक्वल टू जीरो हो सकता है? हाँ हो सकता है, जब ये वाली चीज जीरो हो जाए एग्जैक्टली। तो यहां पे केवल थ्री एज एन आंसर आएगा, केवल एक ही आंसर होगा विच इज एक्स इज इक्वल टू थ्री, ओनली एक्स इज इक्वल टू थ्री। बताओ फिफ्थ वाला सबको समझ में आया? ये बाकियों से थोड़ा डिफरेंट था। किसी को डाउट फिफ्थ वाले में? नो सर। नो नहीं, ओके सर। नाउ लेट्स मूव टू सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखो हम लोग को वो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो, तो होल स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। अच्छा कभी कभार इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को तो क्या चाहिए, कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो ये होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही आउटपुट देगा। लेकिन जब तुम एक्स की वैल्यू फोर पुट करते हैं तो उससे जीरो ग्रेटर देन जीरो आ रहा होता। अभी आ रही है आवाज? वीडियो वीडियो लैग कर रहा है क्या? वीडियो ब्लर है थोड़ा, पर लैग नहीं कर रहा, ब्लर्ड है। ब्लर है। अच्छा छोड़ो जाने दो, वैसे भी टाइम हो गया हमारा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो हो जाता वो हो जाता माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्सेप्ट फोर। इसका सॉल्यूशन सेट जो हो जाता है वो क्या हो जाता, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्सेप्ट फोर। क्यों? क्योंकि फोर वाली जो वैल्यू है वो इसको क्या कर दी होती, जीरो कर दी होती, और जीरो ग्रेटर देन जीरो तो नहीं चलेगा। या इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, x belongs to real number except 4। चाहे हम लोग माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिखे चाहे रियल नंबर लिखे बात सेम है। ओके बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन था। हाँ बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन था। Some books to buy for maths in class 11th. तो देखो अभी अगर तुम मतलब तुमको बुक्स काम तो आएगी, अभी इतनी काम नहीं आएगी, तो तुम बुक्स बाय करने के लिए what you can do,
अभी जो है जैसे ट्रिग्नोमेट्री की एसएल लोनी ले लो, हाँ ये ट्रिगो की ले लो, और ट्रिगो की यू कैन टेक अरिहंत एज वेल, बट अभी इतना यूजफुल नहीं होगा वो, अभी इतना यूजफुल नहीं होगा ट्रिगो का अरिहंत, ठीक है। लेकिन हाँ अगर खुद से पढ़ना स्टार्ट हो तो धीरे धीरे चाहिए समझ में आने लगेगी। सो ये दो बुक्स तुम सर इसमें सिर्फ क्वेश्चंस है कि थ्योरी भी है? देखो एसएल लोनी में मेनली क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अरिहंत में थ्योरी भी है और क्वेश्चंस भी है। वैसे तो सेंगेज की भी बुक्स चलती है, लेकिन सेंगेज की बुक्स क्या है कि मतलब हम लोग का नहीं मतलब हमारा मटेरियल जो है वो सेंगेज का ही पब्लिश किया हुआ है, सेंगेज पब्लिशर ने हमारा मटेरियल पब्लिश किया, तो काफी थ्योरी या काफी क्वेश्चंस मैच करेंगे तुम्हारे, तो फिर सेंगेज की बुक खरीदने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही तो उनको बुकलेट में भी मिलेगी। सो इंस्टेड ऑफ दैट द सेकंड बुक विच यू कैन बाय अरिहंत वन, ठीक है, ये कर सकते हैं। अभी तो मतलब ये खत्म होगा तो फिर हम लोग बेसिकली ट्रिगो स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा लोनी मंगवा लो। आर डी शर्मा स्कूल के लिए बहुत ही परफेक्ट बुक है, बोर्ड के लिए बहुत ही परफेक्ट बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, तो आर डी शर्मा भी रख सकते हो, क्योंकि तुम लोग सब लोग नॉन इंटीग्रेटेड वाले ही हो आई थिंक, स्कूल वाले तो स्कूल में एक बुक तो रेफर करनी होगी। सो If you can buy R.D. Sharma, so that will be useful for board also or initial practice ke liye bhi achha hoga R.D. Sharma tumhare, theek hai, aur S.L. Loni ko buy mat karo, S.L. Loni ko tum net se download kar lo, mil jayegi net se, Arihant nahi milegi sir, S.L. Loni matlab Arihant jo hai बुक मेरे ख्याल से मुश्किल है मिलना, मतलब उसको खरीद लो अमेज़न से खरीद लो, हार्ड कॉपी जितना रहेगा उतना अच्छा है वो। कितनी बार तुम सोचो ना यार 4 से 5-6 घंटे तो मोबाइल या लैपटॉप पे लग रहे तो वीडियो देखने के लिए, तो उसके बाद बुक भी रेफर करोगे ऑन लैपटॉप या मोबाइल तो और किसी भी इंटीग्रेटेड वालों के लिए, हाँ वो लोग भी बाय कर सकते हैं, मतलब आदि शर्मा जो है वो बेसिक बनाने के लिए बहुत अच्छी बुक है, तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तुम लोग तो सब लोग नॉन इंटी वाले हो ना सब? नहीं सर, इंटीग्रेटेड वाले। इंटीग्रेटेड वाले कहाँ के? पनवेल कौन से सेंटर से? थाने। अच्छा थाने, हाँ तो थाने में भी तो स्कूल तो चलता ही है ना? हाँ सर चलता है, पनवेल भी है। ओके ठीक है, कोई नहीं। सो आरडी शर्मा खरीद लो, आरडी शर्मा अच्छी बुक है। एसएल लोनी की सॉफ्ट कॉपी तुम गूगल पे सर्च करोगे तो वो मिल जाएगी तुमको, एसएल लोनी की सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी डाउनलोड किया है। मिल जाएगी आदि शर्मा खरीद लो। हाँ सर आपने ग्रुप में भेजा था ऐसे लोनी? ऐसे लोनी मैंने नहीं भेजा होगा, हिमांशु सर ने भेजा था वो, सर किसी और सर ने भेजा, बट हमारे ग्रुप में भेजा गया है। अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा है?